नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अधिकारियों ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया था कि उन्होंने बायो बबल में ट्रेनिंग के दौरान कैंप में नमाज के लिए मौलवियों को भी बुलाया था। इन आरोपों को जाफर ने खारिज कर दिया है। जाफर ने मंगलवार को ही उत्तराखंड टीम के कोच के पद से इस्तीफा दिया था। उन्हें बतौर फीस 55 लाख रुपए देकर एक साल के लिए कोच बनाया गया था। उनके पिछले ही महीने घरेलू टूर्नामेंट सदाए मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में उत्तराखंड टीम ने 5 में से 4 मैच हारे थे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव माहिम वर्मा और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रिजवान सहमसाद ने आरोप लगाया था कि जाफर ने कुणाल चंदला की जगह इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बनाया है। इकबाल को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर बल्लेबाजी कराई, जबकि ओपनर चंदीला को मिडल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी कराई। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कैंप में मौलवियों को आने के बाद जाफर ने टीम का स्लोगन भी राम भक्त हनुमान की जय भी बदल दिया। उत्तराखंड टीम पिछले साल से ही राम भक्त हनुमान की जय स्लोगन खेल रही थी, अब इसे गो उत्तराखंड कर दिया गया है। इन आरोपों पर जाफर ने न्यूज एजेंसियों से कहा, मैंने उनसे माहिम और समसाद से कहा था कि टीम का कप्तान जब भी विस्ट को बनाया जाना चाहिए, वह यंग प्लेयर था, ये तैयार हो गए थे, लेकिन टूर्नामेंट के लिए पहुंचने के बाद उन्होंने माहिम और समसाद को कहा कि इकबाल को कप्तान बनाया जाना चाहिए, तब भी मैंने कहा कि ये सही नहीं है, इकबाल को कप्तान बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, यह आरोप बहुत ही दुखद है, मैंने सब कुछ अपने ईमेल में लिख कर दिया था। जाहिर है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, वे इस मामले को धार्मिक रंग देते हुए मेरे खिलाफ गलत आरोप लगा रहे हैं। स्लोगन में राम भक्त हनुमान की जय को लेकर जाफर ने कहा, पहली बात तो यह है कि स्लोगन जय श्री राम या जय श्री हनुमान मैंने यहां सुना ही नहीं था। प्रैक्टिस के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों माता रानी की सच्चे दरबार की जय का नारा लगाते थे। ये सिख समुदाय का नारा है और इस समुदाय की टीम में 2 ही खिलाड़ी थे जो ये स्लोगन इस्तेमाल करते थे। मैंने कहीं जय हनुमान जय श्री राम नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि सदाए मुश्ताक अली टूर्नामेंट के लिए बड़ौदा पहुंचने के बाद चंद्रकांत पंडित और कुछ खिलाड़ियों के कहने पर मैंने गो उत्तराखंड या लेट्स डू इट उत्तराखंड या कम ऑन उत्तराखंड का नारा लगाने की बात कही थी। जाफर ने कहा, स्लोगन बदलने के आरोप गलत है। यदि मुझे ये धार्मिक भेदभाव ही करना होता तो मैं अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने के लिए कहता। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट केसरी में।